गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो गजेरा ग्लोबल ट्रस्ट ने जो फिट एंड फन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें आप लोग डेली अलग अलग एक्टिविटी के एंजॉय कर रहे हो, तो आज हम लोग वापस ड्रामा पे आए हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वॉइस मॉड्यूलेशन, आप अपनी आवाज़ को किस तरह मॉड्यूलेट कर सकते हो अलग अलग वॉइस में। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप लोग अलग अलग वॉइस में प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताई थी। तो आई होप आप सब एक्सरसाइज करते होंगे और आप एंजॉय भी करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। ये तीनों तीन पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो ड्रामा और एज ए एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है वो भी बताऊंगा, और इसमें आपको क्या क्या करना है कि जिसके वजह से आप अच्छे एक्टर बन सकते हो, आपको अच्छी प्लेटफॉर्म मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन? एक एक्टर और एक नॉर्मल इंसान, दोनों का डिफरेंट पता चलेगा कि अगर एक एक्टर जब ऑब्जर्वेशन करता है और एक इंसान ऑब्जर्वेशन करता है, दोनों में फर्क दिखेगा। आप लोग को ये नहीं पता है कि ऑब्जर्वेशन का क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप ड्रामा इंस्टीट्यूट में जाते हो सीखने के लिए, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपको एक्टिंग बताई जाती है, दिखाई जाती है, अलग अलग कैरेक्टर समझाए जाते हैं, लेकिन वो आप जब आपकी रियल लाइफ में जब परफॉर्म करने का टाइम आता है, जब आपको कोई कैरेक्टर दिया जाए, तो आपको वो विजुलाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन कैसे सोचोगे? आपने वो कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा ध्यान से, तब आप कैरेक्टर को फील कर पाओगे। ऐसे तो आप कैरेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बता रहा हूं कि एक्टर में जब आपको डायरेक्टर कभी भी कोई भी कैरेक्टर बोले, तो आप लोग को अलग अलग कैरेक्टर दिए गए। अगर नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान जी रहा है अपनी लाइफ, अगर वो ऑडिशन देने गया और वहां पे ऑडिशन लेने वाला इंसान आपको बोलेगा कि आपको गरीब इंसान का कैरेक्टर करना है, लेकिन वो इंसान अगर बहुत रिच होगा, वो पैसे वाले घर का होगा, तो गरीब इंसान का कैरेक्टर कैसे करेगा वो कैरेक्टर फील कैसे करेगा गरीब का? लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप बाहर जाते हो, घूमते हो, तब अगर एक्टर हो तो आपको ऑब्जर्व करना ही करना है। जितने कैरेक्टर आप पूरे दिन में ऑब्जर्व करोगे, इतना बेटर आप अच्छी एक्टिंग कर पाओगे, उतना एक्टर एज एक्टर आप फील कर पाओगे उनकी फीलिंग को, उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि डायरेक्टर होता है, जब नॉर्मल एक्टर आता है ऑडिशन देने, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो बहुत ऑब्जर्वेशन नहीं करता है बाहर की दुनिया में। वो बस जो सीखा है उसके लिए उसको उसके साथ ही वो चलता रहता है। लेकिन उसे वो भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक्टर हो तो आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए अच्छे एक्टर बनने के लिए। क्योंकि डायरेक्टर क्यों ये करना होता है, क्योंकि जब डायरेक्टर आपको एक कैरेक्टर देता है, तो क्या होता है कि आपको डायलॉग दे दिए, आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा है जो आपने लाइफ में कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया था, आपने सोचा भी नहीं था, देखा होगा लेकिन आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया था, और वो कैरेक्टर आपको परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टर ने बोल दिया, तो आप वो कैसे करोगे? तो उस टाइम पे डायरेक्टर होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, अभी इसको मैं बोला हूं भी कर नहीं पा रहा तो क्या करूं। तो डायरेक्टर होता है वो आपको वो करके दिखाएगा, समझ रहे हो? वो करके दिखाएगा, फिर वो एक्टिंग देख के आप उसका नकल करोगे। डायरेक्टर ने जो दिखाया है वो आप करोगे, लेकिन आप अच्छे एक्टर हो, आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन क्यों करना चाहिए, और आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो फिर सिर्फ डायरेक्टर को आपको बताना ही पड़ेगा कि मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए, ऐसा फील करना है, ये सिचुएशन मुझे ये चाहिए। तो वो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ठीक से ध्यान से, तो ही आप वो परफॉर्म कर पाओगे, और अच्छे एक्टर को वही तब उस टाइम पे दिखोगे कि हाँ ये अच्छा एक्टर है, क्योंकि इसने बहुत सारे कैरेक्टर। ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि हम लोग को नॉर्मल लाइफ में भी करते रहते हैं, लेकिन जब आप ड्रामा सीख रहे हो, ड्रामा सीख लिया, तो आप कहीं पे भी जाओ, भीड़ भाड़ एरिया में जाओ, कहीं पे भी घूमने जाओ, तो ऑब्जर्व करते रहना। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट आप देखते हो, वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट में सीखे हैं, बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो लोग ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा किया है, तभी वो अलग अलग छोटे से छोटा कैरेक्टर और बड़े से बड़े कैरेक्टर परफॉर्म आराम से इजिली कर पाते। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप लोग एज ए एक्टर में, आपको बताऊं कि मुझे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जो एक्टिंग सीखने आते हैं, तो उनको बताया जाता है कि आपको ये कैरेक्टर करना, आपको गरीब इंसान का करना कैरेक्टर,
भीख मांगने का करना है, गुब्बारे बेचने वाले का करना है। तो बच्चे बोलते कि सर ये कैरेक्टर हम क्यों करें, हम थोड़ी ना ऐसे। लेकिन जो एक्टर होता है वो कभी भी ऐसे नहीं बोलता कि हम लोग ऐसे क्यों करें। जो एक्टिंग सीखते हैं वो सारे बच्चों को, सबको बता रहा हूँ कि कभी भी आपको कोई भी कैरेक्टर दिया जाए तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है आज कि आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके आस पड़ोस में, आप जब घर से बाहर निकलते हो, घर के अंदर भी बहुत सारे कैरेक्टर, आपके दादा दादी मम्मी पापा, आपके घर, आपके वहां पे नीचे वॉचमैन अंकल होंगे, दूध देने वाले अंकल, आप घर से बाहर निकलो, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो आप रियल लाइफ में नहीं हो, लेकिन जब आपको कैरेक्टर दिया जाए तो परफॉर्म कर सकते हो। कब परफॉर्म कर सकते हो? जब आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो, वो ध्यान से देखा होगा तो, वरना फिर आप कर नहीं पाओगे और आपको किसी को दिखाना पड़ेगा, वो आपको दिखाएंगे, फिर आप उसकी कॉपी करोगे, लेकिन आपकी एक्टिंग वो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, वो देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा तो आप फील कर पाओगे, वो फीलिंग नहीं आएगी। और अच्छे एक्टर की निशानी है कि वो ऑब्जर्व करता ही है और वो फीलिंग के साथ फिर परफॉर्म करता है। उसे डायरेक्टर बताया नहीं जाता, डायरेक्टर से सीन समझाया जाता है कि सीन ये है, आपको अभी फील करना है और मेरे सामने परफॉर्म करना है, समझ रहे हो? तो अभी ऑब्जर्वेशन के लिए आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है एक्टिंग में। जब भी आप लोग कहीं पे भी, जो भी एक्टर है उनको बता रहा हूं कि जब भी आप लोग कहीं पे भी जाते हो, एक्टिंग सीख रहे हो, सबको बता रहा हूं, कहीं पे भी जाओ तो ऑब्जर्व करते रहना किसी भी इंसान को, उसमें से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ। और वो हर एक बार नया नया कैरेक्टर, आप जितने ज्यादा कैरेक्टर ऑब्जर्व किए होंगे तो वो आपको इंप्रूवेशन, आपकी एक्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा, डिफरेंट बहुत ज्यादा दिखेगा। नॉर्मल इंसान और एक्टर में क्या फर्क है, वो अभी इसलिए अभी हम लोग वो पॉइंट पे आ रहे हैं। नॉर्मल इंसान और एक्टर में क्या फर्क है? तो नॉर्मल इंसान है वो जब परफॉर्म करता है तो वो एक्टर को देखता है, वो एक्टर को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, एक्टर की एक्टिंग देखता है, उसको ऑब्जर्व करके उसके बाद परफॉर्म करता है। लेकिन जो एक्टर होता है वो नॉर्मल इंसान को देख के एक्टिंग करते हैं। अभी आपको क्या बनना है, नॉर्मल इंसान बनना है या एक्टर जैसे बनना है, वो आपको देखना है। ओके, तो अभी आपको मैंने ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंट बताया कि क्यों जरूरी है एक्टिंग में, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं तो आपको नहीं पता है कभी भी कौन सा कैरेक्टर आपको रोल करने के लिए मिल जाए, तो आप लोग को उसकी प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जर्वेशन करते रहना है। ओके, दूसरा हम लोग पॉइंट पे आज बात करने वाले हैं, वो है इमेजिनेशन, सोचना। आप जब ऑब्जर्व करते हो, ओके, उसके बाद इमेजिनेशन भी आता है कि जो राइटर होता है, वो स्टोरी लिखता है, वो रियल स्टोरी हर बार नहीं होती, उसकी इमेजिनेशन, वो सोच सकता है उतना आगे तक का सोचेगा, वो कैसी का कहां पे कौन सा कैरेक्टर को कैसे रेडी करना है, समझ रहे हो? तो इमेजिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिंग के लिए। कि अगर आपको डायरेक्टर, आप जब शूटिंग में गए हो, अब ड्रामा कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टर अलग अलग कैरेक्टर देता है कि आपको ये कैरेक्टर परफॉर्म करना है, ये कैरेक्टर परफॉर्म करना है, ऐसे इस तरह को ऐसे परफॉर्म करना है, तो वो आपको इमेजिनेशन करना पड़ता है कि हाँ काश ऐसा हो तो, ऐसा किया हो तो। कई बार ऐसा होता है कि जो एक्टर होते हैं वो इमेजिनेशन पे करते ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं किया होता है। कुछ देखा हो तो याद करें ना, अगर कुछ देखा है तो उसमें कुछ इंप्रूवाइजेशन करने के लिए आप कुछ नया सोच सकते हो और दोनों को मिला के कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एज अ एक्टर। जो डायरेक्टर होता है वो इमेजिनेशन पर चलता है। जब डायरेक्टर कोई मूवी रेडी करता है, जब ड्रामा रेडी करता है, तब वो अपनी स्टोरी को लिखता है, रेडी करता है वो, लेकिन वो सारा इमेजिनेशन से पूरी रेडी करता है। तो वो जब उन्होंने इमेजिनेशन किया है कि मुझे ऐसे कैरेक्टर चाहिए, तो फिर अगर एज ए एक्टर आपको वो कैरेक्टर दिया जाए तो वो डायरेक्टर ने सोचा है कि मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए, तो आपको भी जब बताया जाए स्टोरी तो आपको भी वो कैरेक्टर को फील करना है, आपको भी इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अगर अच्छा एक्टर हो, आपको पता है इमेजिनेशन का मीनिंग, उसकी वैल्यू पता है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, समझ रहे हो? और अगर आपने इमेजिनेशन ठीक से नहीं किया, ध्यान से नहीं सोचा, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे।
और दूसरे एक्टर से आप नीचे दिखोगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो एक्टर होते हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर इमेजिनेशन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ भी सिचुएशन आपके माइंड में दे जा सकती है, आप सोच भी सकते हो और डायरेक्टर आपको दे भी सकते हैं। अगर डायरेक्टर ने आपको दिया है और अगर अच्छे का एक्टर हो तो ही आप अच्छे तरीके से वो कैमरे के सामने आप परफॉर्म कर पाओगे, स्टेज के सामने परफॉर्म कर पाओगे, समझ रहे हो? वरना फिर गलती वहां पे ही होगी और फिर आप वहां पे नीचे दिखोगे। तो वो गलती नहीं करनी है आपको, आपके माइंड को उसी तरह सेट करना है, आपको आपके माइंड को उसी तरह सेट करना है कि जब भी आप कुछ भी चीज को इमेजिनेशन करते हो तो ध्यान से सोचो अपने माइंड को और वो हाइट पे ले जाओ कि जब आप परफॉर्म करते हो तो एज अ ऑडियंस आपको, आप जैसे फील कर रहे हो वैसे ही फील ऑडियंस को भी होना चाहिए। ओके, तो ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन के बारे में बताया, उसके बाद है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपको विजुअल करना होता है, समझ रहे हो? आपको विजुअल करना होता है कि हाँ अगर ऐसा सिचुएशन हो तो मैं ऐसा करूं। ये सब तीनों तीन पार्ट कनेक्ट किया, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। अच्छा एक्टर क्या होता है कि वो जब कहीं पे भी जाता है तो ऑब्जर्व करता है, फील करता है, वो ध्यान से देखता है कि हर एक इंसान की मूवमेंट कैसी है। फिर जब वो उसको कहीं पे रोल मिलता है तो उसको विजुअल करता है, सोचता है कि मैंने ये देखा तो अभी इसमें मैं एक्टिंग अपनी ऐसी तरीके डालूंगा और डायरेक्टर को मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो उसकी एक्टिंग और अच्छी बाहर आएगी। विजुअलाइजेशन भी ऐसा ही है कि कोई सीन, अगर कोई सीन हो गया बीच में रास्ते में आप जा रहे हो और वहां पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे सीन क्रिएट हो गया, तो आपको सोचना है अगर आपको ऐसा सीन दिया जाए, आपने देखा नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन नहीं किया होगा और डायरेक्टर ने बोला कि भाई हम लोग जो हम आज हम सीन करने वाले एक्सीडेंट का, जो बहुत सारे इकट्ठे लोग हो गए और कुछ हो गए, बहुत सारे डेथ हो गए, कुछ हो गया, तो आपको विजुलाइज करना होगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है और उस तरह परफॉर्म करना रहता है। उसी तरह आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्टिंग उसी तरह करनी रहती। अभी आपको पता चलेगा कि एक्टिंग में विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप विजुअल करते हो, जब सोचते हो, तब आपको सिर्फ बताया जाता है कि सिचुएशन ऐसी है कि आप चलते चलते जा रहे हो, अचानक से बीच में से शेर आ गया, उसको देख के आप डर गए, आपको भागना है, तो आपने विजुलाइज किया कि हाँ हाँ मुझे डायरेक्टर ने ऐसा बोला है तो अगर मैं जा रहा हूं और ऐसा हो गया, ये हो गया, तो वो आपके माइंड में तुरंत ही आना चाहिए। वो कैसे आएगा? आपको उसी तरह सोचना है। आप जब भी परफॉर्म करते हो, जब भी आप करने वाले हो और आप एक्टिंग सीख रहे हो तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है, फ्री टाइम में हो तो इमेजिनेशन भी करना है, अलग अलग कैरेक्टर इमेजिनेशन करो, फिर आप उसमें विजुलाइजेशन कर सकते हो, अलग अलग परफॉर्म कर सकते हो, आपको खुद को ही सोचना है। क्योंकि जब आप दूसरी जगह परफॉर्म करने जाते हो तब उस टाइम पे आपको पता चलता है कि आप मिस्टेक कौन से कर रहे हो, आपको क्या क्या इंप्रूवेशन लाना चाहिए थे, समझ रहे हो? अगर एक्टिंग सीख रहे हो, बच्चे, सब बच्चों को बता रहा हूं कि जो जो बच्चे एक्टिंग सीख रहे तो वे सबको ये सब पॉइंट्स को फॉलो करना है, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आपको मैं बताऊंगा कि अगर मैं बताऊं कि मैं आपको बोलूं कि आप एक एक बॉक्स में फंस गए हो, 4x4 के बॉक्स में फंस गए हो, ओके, उसमें से वो क्या कि वो बॉक्स एकदम छोटा सा है, तो आपको विजुअलाइज तुरंत माइंड में होना चाहिए हाँ वो ऐसा, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि आपको, अभी आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, ध्यान से सोचना आप सब बच्चों को, कि आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है कि आप एक बॉक्स गए हो, वो बॉक्स में सिर्फ एक, लेकिन वो बॉक्स इतना मजबूत है कि टूट ही नहीं पा रहा है, वो लकड़ी टूट जाएगी, आप ट्राई करोगे तोड़ने के लिए लेकिन वो बॉक्स नहीं टूटेगा, और धीरे धीरे वो बॉक्स वो दब रहा है, आप फंस रहे हो, आपको डर लग रहा है, फिर डायरेक्टली ऊपर से कोई आएगा, ऊपर से आपको हाथ देकर कि निकाल लेगा बाहर। वो सिचुएशन आपको दी गई, अगर डायरेक्टर ने आपको दिया, मैं दे रहा हूं आप बच्चों को, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, विजुलाइज करना है, सोचना है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या होगा। छोटी सी मैं झलक दिखाता हूं, मेरे साथ अगर ऐसा हो, मुझे डायरेक्टर ने दिया हो तो मैं मेरे माइंड से विजुलाइज करूं तो किस तरह मेरी एक्टिंग, मेरी खुद की एक्टिंग कैसे बाहर आएगी। सबकी एक्टिंग
अलग सोच सकते हो, आप अलग अलग मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन जब मैं मुझे ऐसा दिया गया सिचुएशन हो तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। अभी मैं बॉक्स के अंदर फंस गया हूं, तो ये मैंने सोचा, मैंने विजुलाइज किया कि अगर मैं बॉक्स के अंदर फंस जाऊं और उस टाइम की सिचुएशन ऐसी हो तो मैं ऐसा फील करूंगा। मैं डर रहा था, आपने देखा होगा, मैंने पूरा विजुलाइज किया बॉक्स में फंस गया हूं, तो पहली बार आया हूं तो आपने देखा मैंने कैसे किया, मैं डर रहा था कि ये कहां पे आ गया, चेक कर रहा था ये सब है क्या। फिर मैंने सोचा इसको तोड़ू कैसे, अभी तो मैंने लकड़ी देखी, लकड़ी को उठाया, तोड़ने की ट्राई की, क्या हुआ, नहीं टूटा, मेरे हाथ में चोट लगी। लेकिन आप देखना मैं छोटी से छोटी मूवमेंट की परफॉर्म कर रहा था, मेरे हाथ में चोट लगना, सांस फूलना, पसीना आना, वो छोटी मूवमेंट को भी आपको ऑब्जर्व करना है, सोचना है। अच्छे एक्टर की निशानी ये है कि छोटी से छोटी मूवमेंट को भी वो सोचे, विजुलाइज करे और परफॉर्म करे, समझ रहे हो। इसलिए आपको छोटी से छोटी मूवमेंट को भी देखना है ध्यान से, उसको सोचो आप ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं, देखो ओके। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे परफॉर्म किया, लास्ट में मैं बोल दीवार को बंद हो रही थी, दीवार वो जो आप फील करते हो फीलिंग रियल में आनी चाहिए, वो इमेजिनेशन कि वो दिखना चाहिए कहा ये बंद हो रहा है, वो आपके फेस पे जब आप इमेजिनेशन करते हो तो ओनली बॉडी नहीं, आपके रिएक्शन आपके फेस पे, आपके आवाज में, ब्रीथिंग, पूरी ताकत लगा रहे हो तो दिखना चाहिए। कब होगा ये सब, कि आपने पहले ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, विजुलाइज किया होगा, समझ रहे हो। तो अच्छे जो भी एक्टर है वो सभी के लिए आज मैं बता रहा हूं कि जब भी आप लोग परफॉर्म करते हो तो ध्यान से ये सब मूवमेंट को देखना, छोटी से छोटे मूवमेंट को भी ऑब्जर्व करना। कि हाँ आप लोग बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, तो अभी ऑब्जर्व करके बता रहा हूं कि जब आप बाहर जा रहे हो तो आपको ध्यान से देखना है, छोटी से छोटे जो भी इंसान, नॉर्मल इंसान दिख रहा है उसको देखो कि वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, वो किस तरह से बात करता है, किस तरह से चलने की एक्टिंग है, आपके लिए एक्टिंग है लेकिन वो नेचुरल है उसके लिए। लेकिन अगर वही कैरेक्टर आपको दिया जाए तो आपको करना, तो आपको करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ओके। अगर ऑब्जर्व किया है तो फिर विजुलाइज करके आप वो परफॉर्म कर सकते हो अच्छी तरीके से। मैंने आपको भी करके दिखाया कि जो भी मूवमेंट थी तो मेरी बॉडी भी साथ में वर्क कर रही थी और मेरा वॉइस भी, मेरे एक्सप्रेशन फेस के भी, तो सारी मूवमेंट एक साथ होनी चाहिए। जब भी आप एज ए एक्टर परफॉर्म तो सारी मूवमेंट एक साथ होनी चाहिए, समझ रहे हो। उसमें छोटे से छोटी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, विजुलाइजेशन में दिखाया। तो आपको और एक एक्टिविटी में दे रहा हूं जो आपको घर पे परफॉर्म करनी है, ओके। जिसमें आपको क्या करना है कि एक साइड ऑनियन पड़ा है, ऑनियन की टोकरी पड़ी है, ओके, और वो ऑनियन की टोकरी को लेके आपको ऑनियन कटिंग करने हैं। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं,
ध्यान से सुनना, ये सिचुएशन ऐसी है कि ऑनियन टोकरी पड़ी, उसमें से ऑनियन लेकर आपको ऑनियन कटिंग करने हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दूसरी टोकरी में डालने हैं। ये पूरी मूवमेंट को आपको ध्यान से सोचना है, छोटी से छोटी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, सोचना है ध्यान से। आप आपकी मम्मी जब काम कर रही होगी तब आपको ध्यान से देखना है कि वो कैसे कटिंग करती है, वो कैसे मुड़। अगर क्यों ये बता रहा हूं, ये आपको क्यों बता रहा हूं कि जब भी आप एक्टिंग में जाओगे तो कोई भी रोल मिलेगा, तो आपको मैंने इसलिए बोला कि आपके घर में भी बहुत सारे एक्टर है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना रहेगा उनकी मूवमेंट को। अभी मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है कि जो आपको घर पे प्रैक्टिस करने की, ऑनियन कटिंग की, कि जी उस टाइम पे जब आप ऑनियन कटिंग करते हो उस टाइम पे कौन सी सिचुएशन होती है, कैसा हाल होता है, वो वातावरण को क्रिएट करना है आपको, और नेचुरल एक्टिंग लगनी चाहिए। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे ये फील, सिचुएशन को फील करके विजुलाइज करना है, ओके, फिर आपको परफॉर्म करना है। कि आपको मैंने जो बताया कि ऑनियन कटिंग है बोला, फिर एक है कि आपको दूसरे एक्टिविटी, आपको है ना जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको मैंने बताया अभी कि अभी आप जो ऑनियन कटिंग है बोला, उसके बाद अभी कुछ भी एक बॉक्स ले लेना है, वो बॉक्स को आपको विजुलाइज करना है कि आप अपने अपने माइंड से अलग अलग माइंड सबको सोचना है। देखो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि ये बॉक्स है, बॉक्स को मैंने रखा है, ओके, और फिर बॉक्स को मैंने कुछ भी आप सोच सकते हो उसको, मैंने ये बॉक्स को लैपटॉप बनाया, तो भी कैसे एक्टिंग करूंगा, लैपटॉप समझ के और विजुलाइज करूंगा, सोचूंगा अपने माइंड में कि ये लैपटॉप है, रियल में नहीं है, लेकिन आपको विजुलाइज करना है कि हाँ ये लैपटॉप है तो मैं इसके साथ कैसे एक्टिंग करूंगा। तो देखो अभी बॉक्स है, लैपटॉप है, ये मैंने विजुअल, मैंने सोचा, रियल में नहीं था लेकिन मैंने सोचा, अपने माइंड को सेट किया, फिर मैंने परफॉर्म किया। तो सब एक्टर को यही बता रहा हूं कि जो भी बच्चे एक्टिंग सीख रहे हैं और जिनको एक्टिंग सीखनी है, तो आप सबको अगर अच्छी जगह पे प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप लोगों को ये सब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये सब देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन तीनों तीन एक पार्ट है जो एक साथ कन्वेंस, कि वो दोनों एक साथ कनेक्ट है, कि जब वो ऑब्जर्व किया होता है तो आप सोच सकते हो, ध्यान से याद कर सकते हो, फिर आपकी बॉडी में वो कैरेक्टर को फील कर सकते हो, उसके बाद परफॉर्म कर सकते हो, और वो एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग आपकी बाहर आती है, आपको फील करना है, वो सिचुएशन को फील करोगे तो नेचुरल एक्टिंग बाहर आएगी, समझ रहे हो। तो आप सब जब भी आप लोग को जब कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी घूमने जाओ, कहीं पे भी जा रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन करते रहो, फ्री टाइम में विजुलाइजेशन करो, छोटी छोटी, ऐसे जैसे मैंने आपको ऑनियन कटिंग का बोला, बॉक्स के लिए बोला कि मैंने ऐसे बॉक्स को लैपटॉप समझा, आप कुछ भी समझ सकते हो, उसकी एक्टिंग करो, देखो कि आप जो मूवमेंट कर रहे हो आपकी एक बॉडी की वो कैसी माइम एक्ट लगेगा उसमें, कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आप जो मूवमेंट करोगे तो वो पूरी एक्टिंग नेचुरल दिखेगी, आपकी बॉडी वर्क करेगी तब, सिर्फ विजुअलाइजेशन से। लेकिन उसको शार्प करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आप देखते रहोगे, बहुत कुछ देखा होगा ऐसा कुछ, तो वो आपके माइंड में आएगा, आपने कुछ देखा ही नहीं होगा तो आपके माइंड में कैसे आएगा, वो माइंड में लाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा ध्यान से, समझ रहे हो, वो माइंड में लाने के लिए आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपकी बॉडी में आएगा और वो अच्छे एक्टर की निशानी है, वो अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओगे, दूसरे के सामने जाके परफॉर्म कर पाओगे, ओके। तो आज का हमारा पॉइंट था ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। तो आप सभी ने, आई होप कि आप सभी ने ध्यान से देखा है, और जो जो मैंने प्रैक्टिस बोली है, जो भी मैंने प्रैक्टिस बोली आपको ध्यान से करनी है, ओके, कि हर बार आप कोई दूसरी बार आपकी ऐसी गलती ना हो, अच्छे एक्टर जो कि शूटिंग में जाओ, डायरेक्टर आपको कहीं कास्ट करे तो आप दूसरे एक्टर से अलग दिखो, आपकी प्रोफाइल अलग दिखे, आपकी एक्टिंग अच्छी दिखे, उसके लिए सब प्रैक्टिस है। तो जो बच्चे एक्टिंग सीख रहे, ड्रामा सीख रहे, जिनको आगे जाना है ये फील्ड में, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको फॉलो करना, ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।